फाइनली भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स बैन करने का डिसीजन ले ही लिया। सिंगल यूज प्लास्टिक्स यानी थैलियां, डिस्पोजेबल कटलरी, स्ट्रॉज, वाटर बॉटल्स एक्सेट्रा। इंडिया की मेजर सिटीज में ऐसे कचरे के पहाड़ तो आपने पक्का देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये सिटीज हर दिन 26,000 टन सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रही है। देश में हर रोज कलेक्ट होने वाले हजारों टन प्लास्टिक्स में से सिर्फ 60% ही रिसाइकिल किया जाता है। रिमेनिंग प्लास्टिक 200 से 500 साल तक डिकम्पोज होता रहता है और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता रहता है। जिस समय ये प्लास्टिक डिकम्पोजिंग फेज में होता है उस समय ये इस तरह माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है और यही माइक्रोप्लास्टिक्स पानी, समुद्री जीवों और हवा के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करता रहता है, एट लास्ट कैंसर जैसी बीमारियां फैलाता है। रिसेंटली कुछ मेजर सिटीज में पीने के पानी के सैंपल्स लिए गए थे और आपको जान के हैरानी होगी कि पीने के पानी तक में माइक्रोप्लास्टिक मिला। ऐसे ही साइंटिस्ट को एंटार्क्टिक में गिर रही फ्रेश स्नो में भी प्लास्टिक मिला है। माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा पानी, खाने, समुद्रों और हवा में बहुत ज्यादा होने से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।